कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के अमहेड़ा में बुधवार की सुबह कबाड़ी की दुकान में अचानक हुए विस्फोट में कबाड़ी की मौत हो गई, जबकि दो अन्य लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि कबाड़ को कूटने के दौरान किसी ज्वलनशील पदार्थ के चलते वहां विस्फोट हुआ है। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि उसकी आवाज दूर तक सुनाई दी, जबकि आसपास स्थित मकानों की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। विस्फोट का शिकार एक स्कूटी सवार फौजी भी हुआ है। मुजफ्फरनगर निवासी कबाड़ी तौसीफ की मौके पर ही मौत हो गई। वह बम नुमा वस्तु को कूट रहा था, तभी यह विस्फोट हो गया। दुकान के अंदर गंधक व पोटास जैसी गंध व पदार्थ पाया गया है। देखिए थाना गंगानगर के अंतर्गत एक तौसीफ नाम के व्यक्ति हैं, जो वर्तमान में इंचौली थाने के अंतर्गत रहते हैं और मूल रूप से मीरापुर जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं और अमेड़ा गांव में ये कबाड़ी का सामान इकट्ठा करते हैं, उसको तोड़ते हैं, फिर आगे उसको प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं। तो किसी सामान को तोड़ते समय एक धमाका हुआ, जिसमें कि तौसीफ नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो गई और अन्य दो लोग उसकी चपेट में हैं, उनको भी कुछ हल्की चोटें हैं। इस पूरे प्रकरण में फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया है, साथ ही साथ बम डिस्पोजल यूनिट है उसको भी बुलाया गया है और ये चेक किया जा रहा है कि कौन सा सामान था जिससे धमाका हुआ है, और इसमें जो अन्य इकाई हैं उनको भी सूचित किया गया है, जिससे कि ये पता लग सके कि कौन सा वहाँ पे सामान इनके द्वारा खरीदा गया था। जो कबाड़े का सामान था इसको तोड़ रहे थे, इसकी वजह से धमाका हुआ, ये हादसा हुआ है और प्रकरण में जाँच की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।